Hey guys, all the best. मचा के आना। Yes, और एक बात ध्यान रखना कि आप सबसे बढ़िया से तैयार हैं और वहां पर एग्जाम में IQ से ज्यादा EQ इंपॉर्टेंट होता है। So just stay calm, एग्जाम में जाने से पहले कुछ हल्का सा छोटा सा 2-4 मिनट 5 मिनट कुछ कॉमेडी का देखना ताकि दिमाग कम एकदम काम डाउन हो जाए, ठीक है, और एंजाइटी लेवल्स एकदम चले जाएंगे अगर आप कोई भी अच्छी सी छोटा सा 5-7 मिनट का कुछ अच्छा हंसी का कुछ देख रहे हो। एंड रिमेम्बर आवर विशेस आर विद यू। एंड गाइस सब कुछ छोड़ दो, कोई रिवीजन, कोई टेस्ट, कुछ नहीं, अब बस चिलैक्स करके एकदम बढ़िया से मूवी देखो और बढ़िया से पेपर करना और बहुत बढ़िया करोगे आप लोग, क्योंकि जो पढ़ाया है सब उसी के अंदर आएगा। 100% भरोसा रखो, यू आर मोर देन प्रिपेयर्ड, जितनी रिक्वायर्ड होती है उससे ज्यादा आप प्रिपेयर्ड हो। और जिनका 9 तारीख को पेपर है वो लोग अपने पेपर में छोड़ देना, ये सिर्फ उनके लिए है जिनका कल पेपर है। अब वो लोग हर बंदा अपने एग्जाम के एक दिन पहले दोपहर में पढ़ाई छोड़ देना ताकि शाम को पूरा थोड़ा सा चिलैक्स करना, ठीक है। ऑल द बेस्ट, लेट्स क्रैक इट। तो जो भी स्टूडेंट सीजल 2019 प्रीलिम्स में अपीयर हो रहे हैं, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर एग्जाम। जस्ट रिमेंबर वन थिंग दैट डू योर बेस्ट, लीव द रेस्ट। लेट्स क्रैक प्रीलिम्स 2019। हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज रानी मैम, योर एजुकेटर ऑन अनअकैडमी। एंड नाउ दैट आपका एग्जाम्स पास आ गया है तो अब करना क्या है, हमारे वॉरियर्स रेडी है अपने वेपन्स के साथ। अब मेहनत करके तो आप लोग जा ही रहे हो, हार्ड वर्क आप लोगों ने काफी किया है अपने एडुकेटर के साथ, अब आपको स्मार्ट वर्क दिखाना है उस 1 आवर में। एंड आई हैव फेथ इन माय वॉरियर्स कि वो कुछ ना कुछ अच्छा परफॉर्म करके आएंगे। ओके, तो माय बेस्ट विशेस आर विद यू पीपल। एकदम अच्छे से कंसंट्रेट होके एग्जाम देना है, घबराना बिल्कुल नहीं है। बार बार मैंने आपको क्लास में भी बोला है, फर्स्ट 15 मिनट्स एग्जाम को अपने हाथ में एकदम ले लेना है, पैनिक बिल्कुल भी नहीं करना है। एक क्वेश्चन नहीं भी आ रहा है, ज्यादा टाइम उसके ऊपर वेस्ट नहीं करना है। ओके, तैयारी आपके एकदम, कोई भी मन में रिग्रेट लेके नहीं जाना है, मेरा ये छूट गया, ये नहीं हो पाया, आप सब करके जा रहे हो, सारे वेपन्स आपके पास है। अब वो वेपन्स को आप किस तरह से यूज कर रहे हो एग्जामिनेशन हॉल में, वो मैटर करता है। और मेरा बेस्ट विशेस ऑलवेज विथ माई स्टूडेंट्स, ठीक है। तो चलो, बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से एग्जाम दे के आना है। चलो अगेन, थैंक यू ऑल। Hi learners, Varun Avasthi, GS Educator this side. So guys, finally the moment has come and I am wishing you the good luck for your exams. Is baar apna 100% aapko dena exam hai. Okay, so let's crack SSC Prelims 2019. Bye-bye. Namaskar dosto, umeed karte hain aapki taiyari bahut achhi hogi aur CGL Prelims mein aap bahut confidently jayenge. मेन बात ये ध्यान रखनी है कि आपको पेपर में कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना है। कोई भी पार्ट आपको ऐसा लगे कि जिसके अंदर आपको लग रहा है कि ये पार्ट कमजोर हो रहा है मेरा, इसमें सॉल्यूशन अच्छे से नहीं बना पा रहा हूँ मैं, तो पार्ट को जल्दी स्विच करना है और टाइम ज़्यादा नहीं लगाना है। और उम्मीद करते हैं कि हमारा एक बहुत अच्छा योगदान रहेगा आपकी सक्सेस के अंदर और आप कॉन्फिडेंटली पेपर को अटेम्प्ट करेंगे। रिजल्ट के बारे में नहीं सोचना है, अपना जो बेहतरीन हो सकता है वो ज़्यादा से ज़्यादा आपको देना है। तो आखिर में यही कहूंगा, लेट्स क्रैक CGL 2019 प्रीलिम्स। हेलो गाइस, दिस इज रवि बजाज, प्लस एजुकेटर एट अनअकैडमी। आई एम विशिंग यू ऑल द बेस्ट फॉर योर SSC एग्जाम। गाइस, हमारे एजुकेटर्स ने आपके साथ बहुत मेहनत की है और अब समय आ गया है उस परिश्रम को गुनाने का। सो बी रेडी, टाई योर बेल्ट एंड रेडी टू फ्लाई। एंड नाउ दिस इज द टाइम टू कैच द अपॉर्चुनिटी एंड लेट्स Crack it! हेलो बच्चों, मैं सुमित गोयल। बच्चों, मेरी ओर से आप सभी CGL के एस्पिरेंट्स को हार्दिक शुभकामनाएं। बेटा, इस एग्जाम में आपको बहुत अच्छे से परफॉर्म करना है एंड लेट्स क्रैक इट CGL 2019। थैंक यू। Hello everyone, this is Niharika Jayani, an online educator of English and Mathematics on Unacademy. So all the very best to SSC CGL aspirants Tier 1 2019. So let's crack CGL 2019 guys, all the very best. Pyare bachcho, aap sabko namaskar, main Nilesh Tomar, Exchange Inspector. मैं उन बच्चों के लिए दिल से दुआ करता हूँ जो 2019 के प्रीलिम्स में बैठने वाले हैं, उनको बेस्ट ऑफ लक। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपकी तैयारी बहुत अच्छे से कंप्लीट हो गई होगी और आप एग्जाम में बहुत अच्छा कर पा रहे होंगे। एक तो एकदम आपको नर्वस नहीं होना, आपने जो प्रिपेयर कर रखे हैं वो बेस्ट होगा, भगवान आपको 100% काबिल करेगा। हेलो गाइस, सो फाइनली योर एग्जाम्स आर स्टार्टिंग, तो आपको मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट। बहुत अच्छे से एग्जाम दीजिएगा, बिल्कुल टेंशन नहीं, एकदम रिलैक्स चिल होकर एग्जाम दीजिएगा एंड देन हम मेंस की तैयारी करेंगे। एंड आई एम श्योर आपका एग्जाम निकलेगा, आपने बहुत मेहनत की है तो अपनी मेहनत पे भरोसा रखना है और अपने पे स्ट्रेंथ रखनी है, कॉन्फिडेंट होना है और एग्जाम बहुत अच्छा देना है। तो मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट, लेट्स क्रैक, बाय बाय गाइस। हाय एवरीवन, दिस इज चेतन हियर।
तो फाइनली जैसा आप लोगों को पता है कि एसएससी की एग्जाम आप लोगों की 3 तारीख से 9 मार्च तक शुरू हो चुकी है, होने वाली है। तो फाइनली मैंने सोचा कि लास्ट बार आपको कुछ आपके छोटी मोटी टिप्स और इम्पॉर्टेंट टिप्स जो एग्जाम से पहले बहुत ही जरूरी है। तो सबसे पहले तो आप सभी लोगों को ऑल द बेस्ट एग्जाम के लिए। एक छोटी सी बात आप लोगों को बताना चाहूँगा सभी लोगों को जो भी एसएससी की एग्जाम देने जा रहे हैं, जितने भी एस्पिरेंट्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, तो इस चीज़ का एक ध्यान रखिएगा। एक बहुत छोटी सी बात है, हम एक बहुत कॉमन मिस्टेक जो हम इस एग्जाम में करते हैं, उस चीज़ को मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग ना करें। एक ईगो फैक्टर है, एग्जाम जाने से पहले उस ईगो फैक्टर को घर पर रख के जाइएगा, क्योंकि एक बहुत छोटा सा पॉइंट से हम एग्जाम में जो हमारा फेवरेट सब्जेक्ट होता है, हम उनके क्वेश्चंस पे अटक जाते हैं, चाहे वो आपका मैथ हो, इंग्लिश हो, रीजनिंग हो, जीओ। सो जस्ट मेक श्योर जब भी आप एग्जाम में जाए, जरूरी नहीं है, हो सकता है कि जिस पोर्शन जो पोर्शन आपका स्ट्रांग हो वहाँ पेपर उतना अच्छा ना हो जितना आप सोच के जा रहे हैं एग्जाम देने। तो जस्ट मेक श्योर कि जब भी आप पेपर देने जाए, इस चीज़ को पहले से माइंड सेट प्रिपेयर करके जाए कि जो सब्जेक्ट मैं पढ़ के जा रहा हूँ, जिस सबसे मैं बहुत ज़्यादा उम्मीद कर रहा हूँ, हो सकता है कि वो सब्जेक्ट इतनी अच्छी एग्जाम में ना आए। तो मैं प्रिपेयर रहूँ, अपने आप को इस चीज़ें मेंटली प्रिपेयर करके चलूँ कि सर मैं क्वेश्चंस को स्किप करूँगा एग्जाम में जाके हम, क्योंकि यही सबसे बड़ा एक कॉमन मिस्टेक जो होती है जो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स करते हैं, और कहीं ना कहीं यही एक फेलियर का रीजन होता है। अगर आपने इस चीज़ को समझ लिया है कि पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है, आई एम श्योर वो 60 मिनट आपकी ज़िंदगी बना देंगे। तो चलिए, ऑल द बेस्ट, आई विश यू गुड लक फॉर एग्जाम्स। हेलो एवरीवन, दिस इज अजय शर्मा, योर इंग्लिश फैकल्टी, and I'm here to wish you all the very best for your upcoming exams. Let's crack it. Let's crack SSC. तो गाइस कैसे हैं आप लोग? तो चूंकि आप लोगों ने खूब मन से पढ़ाई करी है और खूब मन से तैयारी करी है, सो आप बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है, अपने ऊपर भरोसा रखिए, कीप काम एंड लेट्स क्रैक इट। ये एग्जाम आपका है और आपका सिलेक्शन जरूर होगा अगर आप अपने ऊपर भरोसा रखेंगे। सो अपने ऊपर भरोसा जरूर रखिए। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर दिस एग्जामिनेशन। थैंक यू सो मच। My dear students, all the best for SSC CGL 2019. Remember to answer confidently. If needed, skip confidently and please maintain the same confidence throughout the paper. All the best and let's crack it. I am Vinish Soni, wishing you lots of luck for CGL Prelims 2019 and bahut jaldi aap logo ka shuru hone wala hai. Aap sabhi logo ko wish you a very good luck. Let's crack prelims 2019. SSC की तैयारी कर रहे सभी प्यारे स्टूडेंट्स को प्यार भरा नमस्कार। आप लोग काफ़ी समय से संघर्ष कर रहे हैं और उस संघर्ष करने का परिणाम, जो रिजल्ट आपको मिलेगा, वो आपके केवल उस एक घंटे के अंदर मिलेगा। तो बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। थोड़ा समय का ध्यान रखें, कोई भी क्वेश्चन इस टाइप का आ जाए जिसमें आपको समय आपका बहुत ज़्यादा कंज्यूम हो रहा हो, देन आप उस क्वेश्चन को क्विट करने की सोचें एक बार। इन सब चीज़ों में हमें बहुत ही सटीक निर्णय लेना होता है उस समय। तो आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू। एसएससी की प्रिपरेशन आप लोगों ने जितनी भी बेहतरीन तरीके से की है, भगवान करे आप सभी को उसका रिज़ल्ट बहुत ही बेहतर मिले। धन्यवाद। Hello learners, I am Navdeep Singh Ranawat, verified and plus educator on an academy. I want to wish you all a very, very, very all the best and good luck. Believe in yourself and do your best. Let's crack it. Hello my dear students, your examination is approaching soon. और आपने उस examination के लिए बहुत ही मेहनत करी है, बहुत ही confident आपको रहना है. Don't stress yourself. मैं उम्मीद रखता हूँ कि आप उस examination को निश्चित तौर पे बहुत ही सरलता के साथ क्लियर करेंगे। So wishing you good luck and success in your upcoming examination. Let's crack prelims 2019. Hey guys, wish you a very good luck for your SSC CGL Tier 1. Let's crack pre 2019. And guys, do your best. God will do the rest. Thank you. Hello everyone. All the best for your examination. Be cool, calm and composed. You have the talent. You can do it. God bless you all. Thank you. हेलो ऑल, मेरा नाम है डॉक्टर नवनीत गोयल और मैं अन अकेडमी पर प्लस एजुकेटर हूं। कल से शुरू होने वाले एसएससी सीजीएल के एग्जाम के लिए सभी एस्पायरेंट्स को ऑल द बेस्ट। दो चीज़ें बस आपको याद रखनी है, एक तो नर्वस नहीं होना है और एग्जाम को जीके, इंग्लिश, रीजनिंग और मैथ्स इस तरह से अटेम्प्ट करना है। तो चलिए, ऑल द बेस्ट। हेलो एवरीवन, दिस इज नताशा सोनी, होप यू आर डूइंग वेल।
फाइनली जिस चीज़ के लिए हम इतने टाइम से प्रिपेयर कर रहे हैं वो टाइम हमारा आ गया है, जिस चीज़ के लिए हम इतने टाइम से प्रिपरेशन कर रहे हैं. सो आई नो वी कैन डू इट एंड लेट्स क्रैक इट. सो गुड लक टू ऑल माय स्टूडेंट्स एंड टू माय लर्नर्स. थैंक यू सो मच गाइस. सभी एसएससी सीजीएल एस्पिरेंट्स को प्रतियोगिता मंत्रा की पूरी टीम की तरफ से ऑल दी वेरी बेस्ट. एक बात हमेशा ध्यान रखना कि जब भी एग्जाम टफ होता है वो सभी के लिए टफ होता है. एग्जाम सेंटर के अंदर आखिरी के 10 मिनट में खुद को मोटिवेट करना बिल्कुल मत भूलना. ऑल दी वेरी बेस्ट अगेन. इसी बार सिलेक्शन लेना है, लेट्स क्रैक इट. नमस्कार, मैं अभिनय आप सबको ये शुभकामनाएं देता हूँ, बेस्ट ऑफ लक कहता हूँ कल के पेपर के लिए या आगे की किसी भी शिफ्ट में आपका एग्जाम है. और आप बहुत अच्छा करें, बिल्कुल भी डरे नहीं. ऐसा लगेगा जरूर कि आप सब भूल चुके हैं, बट मैं कहता हूँ कि आप बहुत अच्छा करके आएंगे. यू विल रॉक. तो एकदम पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, पूरी एनर्जी के साथ पेपर दे के आइएगा. अगेन बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू वेरी मच.